सो हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे स्किल ग्रो क्रिएटर चैनल पे। तो आज हमारे पास एक टारगेट आया था। टारगेट थोड़ा था पचीदा सा, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया। ये दुपट्टा आया है हमारे पास, ठीक है, नेट का दुपट्टा है। इसके ऊपर आप देख सकते हो ऐसे ग्रीन से कलर से पेंट है। इसके साथ जो कपड़ा आया अभी, जसू ये दिखाओ कपड़ा, इस कलर का हमारे पास बेस आया, ठीक। उन्होंने बोला कि ये मैचिंग होना चाहिए, मतलब दुपट्टा बीच में इसके दिखना चाहिए कि हाँ कि ये इसके साथ मैचिंग हो जाए। तो हमने क्या किया कि वाइट का बेस बना के ये जो दुपट्टे में ये वाला जो ग्रीन था, ठीक है, ये वाला ग्रीन जो था उसकी हमने शेडिंग की है इसमें। और इसकी डंडियाँ जो हैं वो ग्रीन और ब्राउन के कॉम्बिनेशन से हल्का इसमें वाइट या येलो का टच देके हम लोग कर रहे हैं। सो ये पूरा कंप्लीट बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसा लुक जो है, ये सूट का कंप्लीट लुक होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दुपट्टा है जिसको आप मैचिंग करना चाह रहे हो तो आप हमारे पास भेज सकते हो, हम आपको करके देंगे। और अगर आपके आप नहीं भेज सकते तो आप जहाँ भी हैं अपना इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके, आपके पास जैसा भी दुपट्टा है ऐसे किसी भी डिज़ाइन को यूज़ करके आप उसको एक नई ड्रेस बना सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखेंगे कि ये आगे कैसे कैसे जो है हम इसको बना रहे हैं और इसमें शेडिंग कैसे कर रहे हैं। इसको देखते देखते ही आप फिर हम बातों में गुम हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे का जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी हम कोई भी वीडियो लेके आएं जिसमें हम कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। अभी जल्दी ही हम स्टिचिंग के वीडियोस भी लेके आएंगे कि आप स्टिचिंग कैसे, कपड़ा कटिंग कैसे करते हैं, उसे स्टिच कैसे करते हैं, तो वो सारे वीडियोस भी आपको जल्दी मिलें, सबसे पहले आपको मिलें। तो इसके लिए ये बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और इसको वीडियो को देखते हुए आप 2 से 3 जगह इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि घर बैठी हुई बच्चियां जो हैं वो फ्री में सीख सकें। सो जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर बेस आपके पास कपड़ा जो है वो लाइट शेड का है तो ऊपर के कलर डार्क यूज़ करें, लेकिन जैसे ये चैलेंज हमारे सामने आया कि नीचे का कपड़ा जो है बेस वो भी लाइट है और ऊपर से हमें उसका जो दुपट्टा है वो भी लाइट है, मतलब लाइट के ऊपर लाइट कलर कॉम्बिनेशंस को कैसे सेट करें। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने इनकी जो पंखड़ियाँ हैं उनकी हल्की हल्की सी डार्क ग्रीन के साथ आउटिंग की है ताकि जो पंखड़ियों की शेप है वो निकल के आए, ठीक है। अगर मैं इनको बिल्कुल वाइट छोड़ देती तो फिर ये बिल्कुल कलर के बीच में मर्ज हो जाती तो वो निकल के नहीं आता फ्लावर की वो वाली शेप। तो कभी भी अगर आप भी ऐसे किसी उसमें कंफ्यूज हो जाएं, फंस जाएं, जहाँ आपको ऐसा कुछ कलर कॉम्बिनेशन करना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी आउटलाइनिंग करके आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो। और अभी जैसे मैंने फ्लावर में जो ये पैपी ग्रीन कलर डाला है तो मैंने जो डंडियों का कलर है इनका नीचे का वो उसमें हल्का ब्राउन ग्रीन और लिटिल बिट वाइट येलो का टोन रखा है ताकि इसमें जो बिल्कुल फ्लैट सा ग्रीन होता तो फिर वो इसके साथ निकल के नहीं आता। फिर बात करते हैं, हमने इसके बीच में ये जो भरे हैं गोल गोल, ये एक सिंपल सिर्फ डॉट थे, लेकिन हमने इनको क्या किया, पहले ब्लैक की आउटलाइनिंग की, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें, ब्लैक की आउटलाइनिंग की, उसके बीच में हमने फिर थोड़ा सा येलो किया, येलो के ऊपर हमने फिर से हल्का सा वाइट का लिटिल बिट टच दिया, ठीक। तो अभी जैसे ये बन रहा है, अभी हम इसको बना रहे हैं, जैसे ही बनता है फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये पूरा कंप्लीट बनने के बाद ये कैसा निकल के आया है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। सो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन प्रेस तो कर ही लिया होगा और शेयर भी ज़रूर कर ही देंगे। तो चलो दिखाते हैं अभी आपको इसकी फाइनल लुक कि बनने के बाद ये कैसा तैयार है। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको लगा कैसा ये। फाइनली ये सूट बनके तैयार है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका पल्ला है शर्ट का, कमीज़ का, और ये है बाजू, बाजू का डिज़ाइन, और ये दुपट्टा।
सो आप सबको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। ये दुपट्टा वाक्य ही क्या आपके अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन के साथ मैचिंग हो गया? अलग तो नहीं लग रहा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।